दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने ही चैनल क्रिक पॉली पर। जा दोस्तों, बीते शुक्रवार यानी कि 22 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी रणबीर कपूर की फिल्म शमशेरा, और शमशेरा फिल्म को आज सिनेमाघरों में सातवां दिन चल रहा है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शमशेरा फिल्म के पूरे 7 दिनों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, बजट के बारे में, हिट और फ्लॉप के बारे में। तो दोस्तों बस आप इस वीडियो के साथ बने रहिएगा। लेकिन दोस्तों उससे पहले, अगर आप रणबीर कपूर और संजय दत्त को एक बेहतरीन अभिनेता मानते हैं तो इस वीडियो को दिल से लाइक करें और साथ ही साथ इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों अगर बात करें शमशेरा फिल्म की, तो जैसी फिल्म से उम्मीदें थी, जिस तरह से पब्लिक इस फिल्म का इंतजार कर रही थी, उस तरह से यह फिल्म खरा नहीं उतरी है। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर सिर्फ निराश ही किया है। फिल्म का बजट हाई लेवल का था, लगभग 150 करोड़ रुपए से भी ज्यादा के बजट में ये फिल्म बनी थी, और वहीं फिल्म को रिलीज होने में कोई भी कसर मेकर्स ने नहीं छोड़ी थी। फिल्म का प्रमोशन भी जोरों शोरों से किया गया था, और वहीं फिल्म को पूरे वर्ल्ड में लगभग 5,550 स्क्रीनों पर रिलीज किया गया था। कोई भी फिल्म अगर 5,500 स्क्रीनों पर रिलीज हो जाए और फिल्म बढ़िया हो, ऑडियंस को पसंद आ जाए, तो वो फिल्म लगभग 400 करोड़ रुपए का कारोबार कर लेती है। लेकिन शमशेरा के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। वैसे फिल्म को क्रिटिक्स ने पहले ही दिन नकार दिया था और क्रिटिक्स की तरफ से फिल्म को घटिया रिव्यूज मिले थे। वहीं ऑडियंस को कुछ हद तक ये फिल्म पसंद आ रही थी, तो फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन अभी तक का जितना भी हो चुका है वो उतना नहीं कि फिल्म को हिट और सुपरहिट करा दे। बात करें फिल्म के अभी तक के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो अपने पहले दिन फ्राइडे को फिल्म ने 10 करोड़ 25 लाख रुपए की कमाई की थी। वहीं दूसरे दिन सैटरडे को फिल्म ने 10 करोड़ 50 लाख रुपए कमाए थे। तीसरे दिन संडे को फिल्म ने 11 करोड़ रुपए की कमाई की थी। चौथे दिन मंडे को फिल्म ने 3 करोड़ रुपए कमाए, और पांचवें दिन ट्यूजडे को फिल्म ने लगभग 2 करोड़ 70 लाख रुपए की कमाई की, और वहीं छठवें दिन यानी कि वेनसडे को फिल्म ने 2 करोड़ 30 लाख रुपए की कमाई की है। तो फिल्म का जो पहले 6 दिनों का इंडिया में नेट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वो हो चुका है 39 करोड़ 75 लाख रुपए। वहीं दोस्तों अगर मैं बात करूं आज 7वें दिन की, तो आज फिल्म लगभग 2 करोड़ रुपए कमाने वाली है, क्योंकि सिनेमाघरों में और भी फिल्में आने वाली है। आज किच्चा सुदीप की विक्रांत रोना और कल एक विलन रिटर्न सिनेमाघरों में आ जाएगी, तो कहीं ना कहीं शमशेरा पर इसका फर्क जरूर पड़ेगा। तो फिल्म का जो 7 दिनों का टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वो हो जाएगा 41 करोड़ 75 लाख रुपए इंडिया से नेट कलेक्शन। वहीं अगर मैं फिल्म के ग्रॉस कलेक्शन की बात करूं, तो फिल्म का ग्रॉस कलेक्शन लगभग 49 करोड़ रुपए से ज्यादा का हो चुका है। वहीं पूरे वर्ल्ड में फिल्म लगभग 58 करोड़ रुपए कमा चुकी है, और मुझे लगता है कि फिल्म अब इससे ज्यादा कमाई कर पाएगी। हालांकि 10-12 करोड़ रुपए भले ही बटोर ले, लेकिन उससे ज्यादा फिल्म कमाई नहीं कर पाएगी। हालांकि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो चुकी है, लेकिन आपको कैसी लगी ये फिल्म कमेंट में जरूर बताइएगा।